बीजापुर शहर में बीजेपी सरकार पर कांग्रेस मुखंड अब्दुल हमीद मुशरीफ, अब्दुल रजाक वारती, महिला जिला अध्यक्ष विद्यारानी तुंगड़ के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय में एक प्रतिभटना कर जिलाधिकारी को मनवी पत्र दिया गया। तो आइए उनसे बात करते हैं। ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದರೂ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದಂತಹ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಏರಿಸುತ್ತಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಏರಿಕೆಯಾದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಈ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆನ ಮತ್ತೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿದ್ದಂಥ ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಬಂತು. ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಹಚ್ಚಿ ಕೋಮುವಾದಿಗಳ ಮಧ್ಯನೇ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು, ಫ್ರೀ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಲೆ ಕಿತ್ತಾಕಿ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಬಂದರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ಒಲೆಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಒಲೆ ಸೌದೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಲೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಶಾಪ, ಮಹಿಳೆಯರ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಶಾಪ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆ ತಟ್ಟದ. ಮುಂಬರುವಂಥ 2023 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆನ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟು, ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನೀವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರಾಣಿ ತುಂಗಳ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. कांग्रेस तरफ से हमारे डीके शिवकुमार साहब आदेश दिए, हमारे एम बी पाटिल साहब, सिद्धरामैया साहब, गैस सिलेंडर महंगाई के बारे में एक हमें डीसी साहब को आज मनवी दिए. ये हर महीना सिलेंडर 50-50 रुपए बढ़ा रहे हैं. ये झूठी सरकार अच्छे दिन लातू कर को हमारा पहले के दिन ही देना, ये दिन पूरे लें दे. 9 बरस से उन्हों कमाए, जब से हमारा हमारे देश को 7.5 लगाए, हर एक महंगाई क्या भी लेने जाओ सब महंगा. डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, सीमेंट सड़ाई महंगी, तेल महंगा, दाल महंगी, चावल महंगे. ये बीजेपी सरकार 40% कमीशन सरकार. ये झूठे बातें कर को, झूठे वादे कर को 9 बरस ही लोगों को पेट को मार रहे हैं. 2 बरस दो करोड़ उद्योग दे तू कहे वो नहीं दिए, और 15 लाख डाल तू कहे वो नहीं दिए. जनधन अकाउंट खोलने लगा कोई भी 500 उखाड़ लिए. ये झूठी सरकार है, ये झूठे वादे करती है, और भ्रष्ट सरकार है. ये 40% कमीशन सरकार है, और यहाँ तो आप 50% ले रहे हैं. आज एक मंत्री बेटा सपड़े, ये 2 MLA सपड़े, ये झूठी सरकार खाली लोगों को गुमराह कर. आप आज क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आज मनवी दी हमें, गैस का कम करो रेट,
नहीं करे तो आप आते इस बार रोड हट करके बढ़ते हैं। क्या सर आपके मनवी देने से सरकार इस पर काम करेगी? गरीबों के वास्ते काम कर रहे हैं, सरकार बीजेपी की है, भ्रष्ट सरकार है। उन्होंने इलेक्शन नगीच रहे तो नहीं बढ़ाना, इलेक्शन नगीच रहे तो भी उन्होंने 50 रुपये बढ़ाते हैं। तुम्हें घर को सिलेंडर वापरते नहीं है क्या? महंगाई हो रही नहीं, तुमने सस्ता करो कर, तुम्हें बोलो हमें बोलते हैं। कल सिलेंडर को भी 50 रुपये बढ़ाए, इसे खंडन करने के लिए जमा हुई है। डीसी साहब को मनवी दे चुके हैं। डीसी साहब को मनवी देने के बाद हम पूरे कांग्रेसियों ने इस तरह से डी के शिव कुमार साहब, रामाया साहब, लल्लू पाटिल साहब को आदेश दिया है, अगर ये रेट कम नहीं हुआ तो गरीबों के खातिर हमें उग्रवाद करने का भी बात हम डीसी साहब को कह चुके हैं। क्योंकि ये बीजेपी सरकार है, जब से 9 साल आए 9 साल से झूठ बोल रही है। अब ये लगता है कि 9 साल की प्रेग्नेंट है, औरत है, उसको 9 महीने जाने के बाद में उसकी डिलीवरी होती है तो उसको घर को भेज दिया जाता है। इसलिए इनको तो औरतों की जो तकलीफ है वो नहीं नज़र आती है, इसलिए उनको अभी जल्द से जल्द घर को भेजना बेहद ज़रूरी है। आज हम सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गरीब भाई बहन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको अगर जवाब देना है तो अपना वोट कांग्रेस को डालना है, कांग्रेस को जीता को लाना है ताकि हम इनको जवाब दे सकें। तो अगर इस तरह से रेट बढ़ते रहे तो लोग भूखमरी से मर जाते रहेंगे। तो भूखमरी का भी ख्याल ना करते हुए आई इलेक्शन के सामने भी 50 रुपये बढ़ा रहे हैं। हर महीना पेट्रोल बढ़ा है, हर महीना डीजल बढ़ा है, हर महीना ये बढ़ा है, खाने के पीने की चीज़ों को भी GST लगा है। इस तरह से लोगों को लूट मार काम कर रहे हैं। लूट मार काम करते 40% कमीशन की वजह से उनको कोई किसी की फिक्र नहीं है, कोई गरीबों की फिक्र नहीं, कोई हिंदुओं की फिक्र नहीं, कोई मुसलमानों की फिक्र नहीं है। इनको अपनी खुशी चाहिए, इनको पैसा चाहिए, इतने अपने सबका साथ सबका विकास है, सबका साथ रखते हैं, बोलते हैं झूठे, सबका सर्वनाश करके हमको खुशी चाहिए कहते हैं। ये झूठों की सरकार है, ये भ्रष्ट सरकार है, इसको जल्द से जल्द निकालना प्रयास। आज आप क्या कर रहे हैं सर? आज हम मनवी दिए डीसी साहब को, हमारा प्रतिबद्ध ने कहा उनको बताए हमारा क्या तकलीफ है, लोगों की तकलीफ क्या है वो बताए, कि भाव चाहिए अगर नहीं करेंगे हम इसे रेगुलर होरा कोर्ट लेने के लिए तैयार। आपका नाम सर? मेरा नाम अब्दुल रजाक बोल रहा हूँ। ये बोलते थे मोदी अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे, इनके अच्छे दिन हमें नहीं चाहिए, जो बुरे दिन थे वही हमें लौटा दो मोदी। जब से तुमने बोला कि गैस सिलेंडर का कम हुआ क्या नहीं हुआ, कब कम हुआ, हर ज़्यादा हुआ। पेट्रोल का रेट कम हुआ क्या नहीं हुआ, पेट्रोल का रेट भी ज़्यादा हुआ। इतने झूठे बोलते हैं, इतने झूठों के सरदार है तुम, इस तरह से झूठ बोल बोल कर लोगों को घुमरा कर रहे, देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़ा रहे। तुम्हारा अभिवृद्धि काम एक ही है कि गाँव के नाम बदलना, गलियों के नाम बदलना, चौराहे के नाम बदलना, इसके सिवा तुम्हारा अभिवृद्धि काम कौन सा नहीं है। अभी मेरे कोई भाई पूछ रहे थे क्या सबूत है 40% का, क्या सबूत चाहिए आपको कि कल आप लिखेंगे आपके माध्यम से देखा है कि कितने करोड़ रुपए इनको मिले, ये कहाँ क्या है, क्या इनके माँ बाप की शादी में भेज दिया है था, कहाँ क्या पैसे, ये 40% नहीं तो क्या है। इनके MLA 2 जेल में गए, किस लिए गए, डबल इंजन थी क्या, इंजन चोरी हो गया था तो कैसे पकड़े गए। इन लोगों को मालूम होना चाहिए कि पेट्रोल का रेट जिस तरह से महंगा कर रहे हैं, डीजल का रेट महंगा कर रहे हैं, चाल दावल का रेट महंगा कर रहे हैं, जिस तरह से हर खाने पीने की चीज़ महंगाई कर रही है, ऊपर से GST लगा रहे हैं, तो गरीब लोग क्या करें। ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये गरीबों को मिटाने वाली सरकार है, ये BJP भ्रष्ट सरकार है। यहाँ पे जो इनके देख रहे हैं कि इनके मिनिस्टर जिस तरह से हंगामा कर रहे हैं, अगर लोकल MLA भी बोल कि हमने वो किया, ये क्या किया, एक तरफा देखे तो क्या भी नहीं होता। आओ गांधी चौक के पीछे वाले हिस्से में देखो, गांधी चौक के आगे वाले हिस्से में देखने से क्या होगा, आईना पूरा देखो अपना नज़र आएगा। तुम क्या समझ रहे अपने आप को कि पार्टी है, MLA हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हम सब जन चुप बैठे हैं। खामोशी सबसे बड़ा हथियार है, ये जान लो आप। जिस दिन खामोशी हमारी ख़त्म हो जाएगी उस दिन तुम्हारा रहना फिरना चलना मुठना सब मुश्किल हो जाएगा। ये गरीबों को जो तकलीफ देने वाली सरकार है, ये गरीब जब उठ जाते हैं तो अपना आपा खो देते हैं। इतनी महंगाई जूझने के लिए ताकत गरीबों में नहीं है। आज काम नहीं मिल रहा, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करे थे, कितने करोड़ रोजगार दिए। यहाँ पे आश्रय योजना घर बना रहे को बोलते हैं, यहाँ पर कांग्रेस सरकार में जो आश्रय योजना के घर बनाए थे आज तक नहीं दिए सबको।
और यहाँ के मत क्षेत्र में जो सिटी में मत क्षेत्र से ले जाके गरीबों को नाटन मत क्षेत्र में डाल रहे, क्यों आपको डर है? ये डर है आप लोगों को सुन के नहीं आते, तो इसलिए इन गरीबों को ले जाकर नाटन मत क्षेत्र में डाल रहे हैं। ये सिर्फ पोस्टर MLA है, पूजा पोस्टर कर लेके कमीशन खा के बैठने वाला MLA है, ना उनके जात का है, ना मुसलमानों का है, ना कोई मजहब का, ये सभी का विरोधी है, सबको मारकर कुर्सी को बैठना चाहता है। ऐसे MLA को निकाल के सटना चाहिए, इसको सबक सिखाना चाहिए। आज पूरे कांग्रेस पक्ष से जो प्रतिभटने करें, जल्द से जल्द ये रेट करीम नहीं करें तो आज जो तादाद जिस तरह से बढ़ रही है वो कम नहीं हुआ, तो हमें इस बीजापुर में उग्र होराट करने का ये वादा भी कर रहे हैं, और लोगों के खातिर जो भी मुश्किलें आ रही हैं उस मुश्किल को कम करने के लिए कांग्रेस पार्टी हर साथ उनके साथ रहेगी। इसीलिए गारंटी कार्ड जो घर घर को दे रहे हैं, इससे वो भी घबराहट हो रही है, लोगों को गुमराह कर रहा है आधार कार्ड वो कार्ड ये कार्ड बोल के। इसे समझना चाहिए जो गारंटी कार्ड होता है वो गारंटी कार्ड होता है, कोई आधार कार्ड, कोई रेशन कार्ड, कोई इलेक्शन कार्ड नहीं है। तेरे जैसा झूठ बोलकर फंसाने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं करती। कांग्रेस पार्टी नियर बोलती है, सीधा बोलती है, सामने बोलती है। हमारे से चोरों की पार्टी नहीं है ये कांग्रेस पार्टी, सबका साथ सबका विकास करने वाली कांग्रेस पार्टी है, सब वर्ग के सब जातियों को लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रजाक फरती है।